हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेक्युलरिज्म मतलब होता है ना कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर क्या है, सारे धर्म, सारे रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिससे कि जो कंट्री में है उसे कि एक स्टेट या जो हमारी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी कि तुम ऊपर ऊँचे धर्म के हो तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा हमारी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारे धर्म हमारी कंट्री में इक्वल है और इक्वली ट्रीट किया जाता है, सारी अपॉर्चुनिटीज सारे रिलीजन को इक्वली दी जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये गवर्नमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा क्यों है कि सारे धर्म इक्वल है। ठीक है, और सब तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे आपको दिया है कि हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसमें आपने हिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है, या फिर आपने हिस्ट्री में पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कैसे जो लोग हैं आपस में एक मतलब दूसरे धर्म को छोटा समझते थे। मुगल्स लोग हो गए, जैसे वो पीजेंट लोग हो गए, उन्हें कैसे उन पे जो है अत्याचार करते थे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कैसे धर्म के अकॉर्डिंग या धर्म के बेसिस पे लोगों पे भेदभाव होता था, उनको एकदम अपने सोसाइटी से हटा दिया जाता था, या तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग जो थे जो थोड़े लोअर कास्ट के थे उनको मार भी दिया जाता था। हिस्ट्री में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। तो आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि जो हिटलर था उसने कितने ज्यूज जो थे, ठीक है, यहूदी लोगों को थे, कितने लोगों को उसने क्या है मार दिया था धर्म के उस पर कि तुम नीचे जाति के हो, ये वो करके हिटलर ने बहुत से यहूदियों को मार दिया था, ज्यूज लोगों को। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो ज्यूस लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने अपनी अलग से कंट्री बना ली है। ठीक है, अपना अलग से स्टेट बना लिया है जो कि है इज़राइल। ठीक है, अब इज़राइल में क्या होता है, ज़्यादातर अब जो मेजॉरिटी है लोगों की वो क्या है, ज्यूश लोगों की है। ठीक है, वहाँ पर यहूदी लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो उस कंट्री पे अब जो ऐसा बोलते हैं कि जो मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन लोग जो माइनॉरिटीज़ में रहते हैं उनको उनके साथ थोड़ा बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा यहूदी लोग बोलते हैं कि हमें पहले बहुत ही दबाया गया है तुम लोगों से, ठीक है, तुमने हमें बहुत ही बैडली ट्रीट किया है। तो काफ़ी जो इज़राइल्स में ऐसा होता है, बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियन लोग हैं उन्हें उनके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है। और जो सऊदी अरेबिया है ना कंट्री, वहाँ पर तो क्या है कि जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है, उसको क्या है, उनको कोई परमिशन नहीं है कि वो अपने चर्च बना सकते हैं, टेम्पल्स बना सकते हैं। इवन उनको ये भी परमिशन नहीं है कि क्या है वो अपने पब्लिक में अपने धर्म की कोई पूजा कर सकते हैं। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम नहीं होगा उसको अपने अलग से चर्च या टेम्पल बनाने की, जो मुस्लिम है वो तो अपने मस्जिद में जाके पूजा अपनी जो भी नमाज पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन जो मुस्लिम नहीं है, अगर हिंदू है या फिर क्रिश्चियन वहाँ पे रह रहा है, तो उसको परमिशन नहीं है कि वो अपने अलग से टेंपल या फिर चर्च बनाएगा, ना ही वो पब्लिकली अपने रिलीजन को मान सकता है। सो इन ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो ऊपर अभी आपने देखा, हमने जो ये एग्जांपल पढ़े सऊदी अरेबिया का या फिर हिटलर का एग्जांपल हमने पढ़ा, तो इससे आपको ये पता चला होगा कि एक कम्युनिटी के लोग, एक रिलीजन के लोग कैसे दूसरी रिलीजन को दबा रहे हैं, ठीक है, कैसे उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़े। सो दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजिली वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन बाई स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। और अगर ना जो हमारी स्टेट है, वो गवर्नमेंट है, वो किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दे या ज़्यादा प्रेफरेंस दे दे, अगर सरकार भी उस रिलीजन का साथ दे, फिर तो वो रिलीजन क्या है और ज़्यादा लोगों को दबाएगा, ठीक है, और उसकी प्रेफरेंस जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, रिकग्नाइजेशन और उसकी बढ़ जाएगी तो वो और दूसरे रिलीजन को दबाएगा। इसीलिए क्या होता है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हर किसी के बाद अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसीलिए जो स्टेट रहता है ना, जो गवर्नमेंट है, वो जो ये रिलीजन है इन मामलों पर दखल अंदाजी नहीं करती है। ठीक है,
वो किसी भी एक रिलीजन को ऐसे सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिल गया तो फिर वो दूसरे रिलीजन के लोगों को दबाने लग जाएंगे जो मेजॉरिटी में रिलीजन होगा। इसलिए जो स्टेट है ना, जो गवर्नमेंट है, वो इन सब चीज़ों से दूर रहती है और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट नहीं करती है। और ये सीधी सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पे क्या है, हमारे साथ भेदभाव किया जाए, ठीक है, हमारे रिलीजन के वजह से, ठीक है, हमारे ऊपर कोई क्या है डोमिनेट करे, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको बताया गया अच्छे से कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो जो प्रीवियस चैप्टर हैं, जो पिछले चैप्टर हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या हमें एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। लाइक हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं। तो जो ये फंडामेंटल राइट है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि स्टेट की पावर से, यानी कि अगर कोई किसी रिलीजन को मान रहा है पर्टिकुलर, उसके पावर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी है कहीं पे, वहाँ पे दो धर्म के लोग रहते हैं, एक हिंदू धर्म है, ठीक है, और एक क्रिश्चियन धर्म है। तो मान लीजिए उस सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा प्रेजेंट हैं, मेजॉरिटी में हैं, और क्रिश्चियन जो ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं। तो अगर मेजॉरिटी में वहाँ पे लोग हैं तो क्या ये हिंदू लोग जो है वो कोशिश करेंगे ना इनको दबाने की, क्रिश्चियन लोगों को? तो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल प्रोवाइड राइट प्रोवाइड किया गया हर किसी को कि राइट टू इक्वालिटी है सबके पास, ठीक है, हर किसी को अपने अपने रिलीजन के साथ जीने का अधिकार है। तो ये लोग जो है इन्हें बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। तो इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडेप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो मतलब इसी आइडिया के साथ कि हर रिलीजन को जो है फ्रीडम है वो अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को मान सकते हैं, इंडिया ने ये भी स्ट्रेटजी है वो ये भी अप्रोच जो है हमारी कंट्री की रही है कि जो स्टेट की पावर है और जो रिलीजन है, ठीक है, पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट है, उसको सेपरेट किया जाएगा, उसको एकदम अलग किया जाएगा। क्योंकि क्या है, अगर मान लीजिए स्टेट में कोई लीडर है, ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है और यहाँ पे उसी के स्टेट में क्या है हिंदू मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता, मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट और जो रिलीजन है वो एकदम अलग अलग होंगे, तो जो ये स्टेट का लीडर है ना, तो वो भी जो मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं उनको सपोर्ट करता और उनकी हेल्प करता कि कैसे क्या है वो क्रिश्चियन लोगों को दबाए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, स्टेट पावर एकदम अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, इनकी हेल्प, हिंदूज की हेल्प या फिर किसी भी रिलीजन की हेल्प नहीं कर सकता है कि वो इस रिलीजन को जो माइनॉरिटी में है उसको दबाए, ठीक है, पावर ही नहीं है स्टेट के पास ऐसी। और देखिए, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कि हम स्टेट की पावर को और जो रिलीजन है उसको अलग सेपरेट कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो रिलीजन में बिल्कुल भी दखलअंदाजी नहीं करेगा, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का, ताकि सारे धर्म या सारे रिलीजन इक्वल रहे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए क्या है कि जो स्टेट है उसकी पावर और जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म जो हमारी कंट्री में माने जा रहे हैं, उनको एकदम अलग से रखा जाए, तभी हमारी कंट्री क्या है सेक्युलर हो सकती है। मतलब कि सारे रिलीजन तभी हैं जो हर किसी रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिकली काम करे। डेमोक्रेटिकली मतलब कि हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वल माना जाए, सबको हर किसी में इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। सो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। अब डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि हर कंट्री में क्या है एक ही रिलीजन तो प्रेजेंट नहीं रहेगा ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं जो हर कंट्री में रहते हैं। जैसे इंडिया है, वहाँ पे अलग अलग हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं क्या इंडिया में रह रहे हैं। तो विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजॉरिटी।
तो इन सारे रिलीजियस ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा होगा जो कि मेजॉरिटी में होगा। अब आप इंडिया का एग्जांपल ले लें, वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं और सिख रह रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, बोलते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी में क्या है, हिंदू लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं। तो इफ़ द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैव द एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्संस ऑफ अदर रिलीजन। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है इंडिया में, मुस्लिम है और सिख, सारे अलग अलग रिलीजन के रह रहे हैं। तो अगर क्या है, इन रिलीजियस ग्रुप के पास क्या है, स्टेट की भी पावर है, हमारे स्टेट की भी जो है पावर इन रिलीजियस ग्रुप को मिल रही है, ठीक है। और जो ये स्टेट वाला लीडर है वो भी हिंदू से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो भी नहीं चाहता है कि ये और ग्रुप के लोग हैं जो इस कंट्री में रहे। तो वो जो ये रिलीजन है वो स्टेट पावर की हेल्प से क्या है, इन माइनॉरिटीज़ जो मतलब कम लोग जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं उनको हटाने की या फिर उनको दबाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, भेदभाव आएगा। और अगर ऐसे भेदभाव आएंगे तो फिर कहाँ से हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई, फिर तो सारे सिटीज़न इक्वल हो ही नहीं रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती ना कंट्री में। इसीलिए सबसे मेन रीज़न यही है कि इसी रीज़न के वजह से स्टेट और रिलीजन को एकदम सेपरेट करके रखा जा सकता है, कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन चाह भी रहा है ना कि मैं इन मेंबर को हटा दूं और हम ही लोग फिर इस स्टेट में या यहाँ राज करें, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी और वो अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट को एकदम अलग रखा जाता है रिलीजन से। सो दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर स्टेट सपोर्ट करे भाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, तो इसके वजह से क्या होगा, जो अलग रिलीजन है उनको एकदम भेदभाव करने लगेंगे, उनके साथ उन पर अत्याचार करेंगे, कई बार के उनके दंगे फसाद होंगे, तो इन लोगों को फिर वो लोग मारने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए स्टेट भाई एकदम अलग रहता है, हट के रहता है इनसे। सो एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. तो सबसे पहला reason यही है कि क्यों state और जो religion है वो separate है, ताकि क्या है, जो majority में group है या जो dominant में religion present है country में या society में, वो बाकी के जो minority में लोग रह रहे हैं उनको dominate ना कर सके, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सके। इसीलिए जो स्टेट है वो एकदम अलग रहता है सारे रिलीजन से, ताकि इन मेजॉरिटी वालों को सपोर्ट ना मिले स्टेट का कि वो इन माइनॉरिटी वालों पे अत्याचार करें। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है, ठीक है। अब देखिए दूसरा रीज़न क्यों है कि जो स्टेट है वो एकदम अलग रहती है, सेपरेट रहती है किन से, रिलीजन से, ठीक है। तो अनदर रीज़न दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन एम्बरेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। अब दूसरा रीज़न ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उसे कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे धर्म में ये चीज़ अच्छी नहीं होती है या उसे पसंद नहीं आ रहा अपना धर्म का कुछ काम, तो वो चाहे तो वो अपना धर्म चेंज कर सकता है, ठीक है, वो अपना रिलीजन बदल सकता है। वो मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो वो हिंदू अपना जो है रिलीजन अपना सकता है, या फिर हिंदू है उसे कुछ बुरा लग रहा है तो क्रिश्चियन या मुस्लिम बन सकता है, तो मतलब रिलीजन जो है अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें स्टेट या गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान अपना रिलीजन चेंज करना चाह रहा है तो उसमें उसको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी से पूछे, बिना गवर्नमेंट से सलाह लिए वो अपना रिलीजन जो है एकदम से चेंज कर सकता है, और जो धर्म उसे मानना है वो मान सकता है। जैसे कि अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अनटचेबिलिटी का, मतलब भेदभाव जो होता था ना पहले हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जो शूद्र लोग होते थे उन पे क्या है, जो हिंदू लोग होते थे वो उन पे अत्याचार करते थे, या फिर जो ब्राह्मण्स लोग होते थे वो उनको गंदी तरीके से ट्रीट करते थे, इनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे। तो इस यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। So you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. तो आपको आप भी को भी लगता होगा कि ये हिंदूज लोग जो हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं करते, और आपको इसको मैं आपको लगता होगा कि हाँ इसे चेंज करना चाहिए।
However, if state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that you have would have any easy task to try and change this? अब आप खुद सोचिए, अगर स्टेट के हाथ में पावर है कि वो क्या है, रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, वो रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है, और जो स्टेट वाला लीडर है, मान लीजिए वो क्या हिंदू धर्म को फेवर करता है, तो वो भी तो क्या करेगा, वो भी अनटचेबिलिटी को मानेगा और वो भी चाहेगा कि ये अनटचेबल लोग हैं, वो यहाँ से हट जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, इनको फेवर सपोर्ट मिल जाएगा, और क्या है फिर जो लोग चेंज करना चाह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी बैन हो जाए, ये हट जाए इंडिया से, नहीं हट पाएगी ना फिर, अगर स्टेट ही सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, तो तुम लोग कैसे बदलाव कर सकते हो अगर गवर्नमेंट तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, या फिर गवर्नमेंट का लीडर कोई है जो हिंदू को ज़्यादा मानता है, वो चाह रहा है कि अनटचेबिलिटी रहे हटे ना, तो फिर तुम नहीं कर सकते ना चेंज, इसीलिए क्या है जो स्टेट पावर है, दूसरा रीज़न ये है कि वो दखलंदाजी नहीं करती है इन रिलीजियस ग्रुप में, लाइक अगर वो सपोर्ट करेंगी तो क्या है आपको बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको बताया है। अब देखिए, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट भी सेक्युलर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो इंडियन स्टेट है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सेक्युलर रहने चाहिए, मतलब कि वहाँ पे धर्म या जाति के आधार पर कोई भी राइट किसी भी इंसान को नहीं मिलेगा, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सारे इंडियंस को इक्वली हर किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी जो है मिलेंगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसने कहा है कि एक स्टेट सेक्युलर तभी हो सकता है जब ये सारी क्वालिटीज़ क्या है उसमें हो, या फिर एक स्टेट अगर सेक्युलर होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है, सेक्युलर स्टेट तभी होगा जब क्या है कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को दबाए ना, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम है तो एक कम्युनिटी जो है वो इसको दबाए ना, ठीक है, इस पर अत्याचार ना करे। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, अब हिंदू में भी आपने देखा होगा कि ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, ठीक है, कास्ट अलग अलग कास्ट के होते हैं कि अगर जो ये अपर कास्ट के लोग हैं ब्राह्मण्स हैं वो इन लोअर कास्ट के लोगों को दबाए ना, इनके ऊपर डोमिनेट ना करे। That the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individual, और state भी किसी को force ना करे कि तुम हाँ भाई ये ही religion अपनाओ, या फिर किसी से उसकी religion की freedom जो है छीन ले, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी country में नहीं होंगी तो क्या हमारा जो India है वो secular है, यहाँ पर फिर क्या है सारे धर्म क्या है equal है, तो जो Indian states है ना वो बहुत सारे जो उन्होंने तरीके जो हैं अपना रखे हैं जिससे कि क्या है डोमिनेशन लोग जो है कम करें, मतलब कि अपने आप को ऊंचा ना समझें, दूसरे रिलीजन को ना दबाएं। जैसे कि पहले जो उन्होंने स्ट्रेटजी, सबसे पहले स्ट्रेटजी यूज़ की है कि उन्होंने अपने आप को, स्टेट ने अपने आप को ही क्या है रिलीजन से अलग कर दिया कि भाई हम लोग तुम्हारे मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तुम्हें जो रिलीजन अपनाना है तुम अपना सकते हो, तुम्हें जहाँ पे अपनी मंदिर मस्जिद जहाँ पे पूजा करनी है तुम पूजा कर सकते हो, तुम्हें जो साइन पहन के घूमना है तुम घूम सकते हो, ठीक है, वहाँ पे हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर कभी कुछ गलत चीज़ हो रही है, कोई एक रिलीजन का इंसान दूसरे रिलीजन के साथ कुछ गलत कर रहा है, तब वहाँ वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बोलती है, लेकिन अपना अपना धर्म कोई शांति से अपना रहा है तो गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे कुछ बोले, या फिर कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाह रहा है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, वो कर सकता है बेझिझक होकर एकदम। तो जो इंडियन स्टेट है वो किसी रिलीजियस ग्रुप को रूल भी नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ठीक है, और किसी रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करती है। तो इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स पुलिस स्टेशंस गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन, तो इंडिया में तो ये है कि जो प्लेसेस गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट के लॉज हैं या फिर गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ पे तो ये तक बोला है कि तुम क्या है किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट या फिर ऐसा नहीं करोगे कि जहाँ पे तुम्हारे स्कूल में या लॉज में सिर्फ एक ही रिलीजन दिख रहा है या फिर तुम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करोगे।
जैसे पुलिस स्टेशन में भी कोई एक हिंदू आया, ठीक है, उसने कुछ गलत काम कर रखा है, और एक अलग मुस्लिम आया, उसने कुछ गलत काम कर रखा है, तो पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों को ये फ्रीडम नहीं है कि चलो तुम हिंदू हो तो तुम्हें छोड़ दिया और मुस्लिम जो है उसको पकड़ के रख लिया, अंदर कर लिया, ऐसा नहीं है। जिसने गलत किया है उसको एकदम वहाँ पे जो है सज़ा मिलेगी, ठीक है, उस ये नहीं देखा जाएगा कि उसका ये रिलीजन है या उसका वो रिलीजन है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट चीज़ें होती है वो एकदम सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों को। जैसे कि आपको आपको एक स्टोरी दी है कि गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में, और वहाँ पे स्टूडेंट चाहते हैं कि रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे दिवाली होली या कोई भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लें, ठीक है, लेकिन जो स्कूल है वो मतलब सेलिब्रेट नहीं करने देता है वो रिलीजन वहाँ पे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल में अभी ऊपर पढ़ाना कि किसी भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन को क्या है इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में होता है कि वो किसी रिलीजन को जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को मनाते हैं अलग से, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हाँ, तुम स्कूल के बाहर जो है सारी चीज़ें अपना फेस्टिवल मना सकती हो, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं मनाओगे। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर रिलीजन के लोग जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दिवाली जैसे मान लीजिए दिवाली का त्यौहार है या कोई भी त्यौहार है, तो हिंदू लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये त्यौहार मना लें, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो नहीं मनाएगा स्कूल के अंदर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कहीं जो ये और लोग हैं इनको हर्ट ना हो जाए कि हाँ तुम दिवाली तो मना रही हो, फिर तुम यहाँ पे क्रिसमस क्यों नहीं मना रही हो, या फिर ईद यहाँ पे क्यों नहीं मनाई जा रही है, हमारे फेस्टिवल यहाँ पे क्यों नहीं मनाए जा रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल को परमिशन नहीं होती है कि वो किसी भी एक के फेस्टिवल को स्कूल में मनाए। हाँ, बच्चे बाहर जाके अपना जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो सुपर स्टोरी आपने देखा तो वहाँ पर ये देखा कि जो सेलिब्रेशन है रिलीजियस फेस्टिवल का स्कूल में, ठीक है, वो क्या होगा अगर कोई ऐसा करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, और क्या है सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ये भी प्रमोट नहीं करता है कि मॉर्निंग प्रेयर और सेलिब्रेशन में किसी एक रिलीजन को सपोर्ट किया जाए। ये इस रूल जो है प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में अगर, क्योंकि लोग क्या है प्राइवेटली अपने स्कूल ओपन करते हैं, कोई कोई जैसे होते हैं ना क्रिश्चियन लोग, वो सिर्फ क्रिश्चियंस का ही स्कूल ओपन करते हैं, तो वहाँ पे वो अपना जो क्रिसमस है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल के पास वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के पास ये नहीं है अधिकार कि वो अब कोई एक पर्टिकुलर वहाँ पर सेलिब्रेट करे। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और जो दूसरा तरीका है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो सेकुलरिज्म को, मतलब कि सारी जो जातियाँ वो इक्वल है उसको फॉलो करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है किसी भी अगर जनता में कोई वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मतलब किसी में भी किसी के भी रिलीजन पे वो जो अपना काम कर रहे हैं उस पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। This means that in order to respect the sentiment of all religions and not interfere with religion practice, the state makes certain exceptions for particular religious community. जैसे कि किसी भी के भी रीजन को हर्ट रिलीजन को हर्ट नहीं करेंगे या फिर वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एक एक दो पर्सन यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये इसने क्या हेलमेट पहन रखा है, तो ये इसका सिख दोस्त है, वो ये जो हेलमेट जिसने पहना है वो अपने सिख दोस्त से बोल रहा है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, तुम हेलमेट पहन लो नहीं तो पुलिस क्या है तुम्हें फ़ाइन करेगी, तुम्हें पनिशमेंट देगी। तो ये सिख दोस्त है वो बोल रहा है कि डोंट वरी मेरे को फ़ाइन नहीं लगेगा। तो वो पूछता है कि परमजीत से कि ऐसा क्यों है, अगर हम हेलमेट ना पहने तो हमें तो फ़ाइन कर दिया जाता है, तो तुम्हें क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि जो हमारी पगड़ी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ आर रिलीजन, हमारे धर्म में बहुत माना जाता है, और हमारे धर्म के आधार पे ये बोलते हैं कि हमें क्या ये पगड़ी अपने सर से नहीं हटानी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम हेलमेट ना भी पहने तो हमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसीलिए जो सिख लोग होते हैं वो मोस्टली देखा होगा आपने कि हेलमेट जिन्होंने अगर पगड़ी पहनी है तो फिर वो अब मतलब सिख लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते, और गवर्नमेंट भी या पुलिस भी वहाँ पर उनको कुछ नहीं बोलती है इसके लिए, क्योंकि क्या है पगड़ी जो है वो मानते हैं कि जो सिख लोग हैं पगड़ी उनकी शान है और वो पहनते हैं उसको, तो गवर्नमेंट भी उनसे कुछ नहीं बोल सकती है। तो ऊपर में आपने देखा होगा कि जो सिख यूथ होते हैं उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है जो इंडियन स्टेट है वो मतलब ऐसा मानती है कि जो पगड़ी है सिख लोग जो है
उसे बहुत पगड़ी को अपनी शान मानते हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर भी नहीं करती है इसमें और उनको अलाउ करती है कि वो हेलमेट ना पहने। अगर उन्होंने पगड़ी पहन रखी है तो उन्होंने हेलमेट ना भी पहना तो चलेगा, ठीक है। और द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अब तीसरा तरीका ये है कि जैसे आपने ऊपर वाले चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या है, द मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर। जैसे कि रिलीजन सेम है, जैसे कि हिंदू है रिलीजन सेम है, लेकिन क्या है अपर कास्ट लोअर कास्ट चल रहा है। वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं वो जो लोअर कास्ट शूद्र लोग हैं उन पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसको डोमिनेट करने, इस भेदभाव को हटाने के लिए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को एकदम बैन कर दिया है कि जो हिंदू लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं। तो इन दिस इंस्टेंट द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूड एंड इट वॉलिएट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना कि हर किसी को राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू अपनी फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है। तो कोई भी अगला बंदा आके, अपर कास्ट का पर्सन आके क्या है, हमें जो लोअर कास्ट है उनको नहीं बोल सकता है कि तुम यहाँ मंदिरों में क्यों जा रही हो, तुम यहाँ पे क्यों जा रही हो, तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। क्योंकि अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर कोई पर्सन इक्वल है। तो ये भी चीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है कि कोई किसी को नहीं बोल सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि इन वर्ड पेस जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो और कंट्री के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है, क्योंकि और भी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे भी ऐसा होता है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं। देखिए सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर दिखाया गया कि और स्टेट में भी ये सेकुलरिज्म माना जाता है, जाति के आधार पे या फिर रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि यूएसए है, ठीक है, यूएसए में क्या है कि वहाँ पे भी किसी भी एक रिलीजन को क्या है, प्रेफरेंस नहीं मिलती है कि कोई रिलीजन के वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो किसी भी एक रिलीजन को गवर्नमेंट प्रेफरेंस नहीं देगा। और वहाँ पे तो ऐसा है ना कि बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस व्यू में। क्योंकि देखिए अब देखिए इंडिया में क्या होता है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी, मतलब जो बंदा अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में अफेयर जो हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे दंगे खड़े हो रहे हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं या हिंदू लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा इंटरफेयर करती है, ठीक है, जो ग्रुप सही है उसका साथ देती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, राइट्स को होने से रोकती है। लेकिन अगर आप यूएसए में देखोगे ना तो यूएसए में गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो जाए, कितने दंगे फसाद हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, वो क्या है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मतलब सपोर्ट क्या कहेंगे कि वो इस पर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करती है, आपस की बात है, तुम लोग देख लो, ठीक है। अमेरिका में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। इंडिया में तो थोड़ा होता है कि अगर गलत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वैसे सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पर बोलती है, लेकिन यूएसए में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यही लिखे है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने इसे इंडिया में देखा होगा, अब इंडिया में भी जो है गवर्नमेंट रिलीजन को किसी को सपोर्ट या डोमिनेट तो नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया में क्या है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए उन्होंने कदम उठाया था, हिंदूज लोगों से बोला था कि अनटचेबिलिटी जो है सिस्टम एकदम हटा दिया जाए, ठीक है, तुम इसको नहीं यहाँ फॉलो कर सकते हो। तो इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज नॉट इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस। मतलब ये है कि किसी का साथ नहीं दे रही है गवर्नमेंट, मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को मान रही है और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, ऐसा नहीं कर रही है। जो चीज़ गलत हो रही है वहाँ पे रिलीजन पे गवर्नमेंट बोलती है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो इंडिया में वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया है। और द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। और इंडियन स्टेट जो सेकुलर है, सारे धर्म के लोग यहाँ पे इक्वल है, और क्या है जो डोमिनेशन है, जो ऊंची जाति वाले लोग जो नीचे जातों पे अगर अत्याचार कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट रोकती भी है।
और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये भी बोला है कि जो फंडामेंटल राइट है वो सारे किस पे बेसिस पे है, सेकुलर प्रिंसिस पे है, प्रिंसिपल्स में है, मतलब हर किसी को राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, अपने मतलब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का राइट है, भले ही वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, यही सारी चीज़ें हैं कि इंडिया जो एक वो सेकुलर कंट्री है, सारे सिटीज़न जो है इंडिया में इक्वल हैं। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।